हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। ये है फ्यूचर की तैयारी। एंड जैसा आपको बताया था मैंने कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसमें कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और बीएससी विद फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बेहतरीन अराउंड 1000 के आसपास ही आपके पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, 1000 वैकेंसीज हैं। और आज का ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, यदि आपने BCA किया है, MCA किया है या कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री करी है, डिप्लोमा किया है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप इस प्रिपरेशन को, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज से ऑनलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप SSC IMD का कोर्स निम्बस लर्निंग से सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में पता है, लेकिन आज हम स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें आने वाले 80 दिनों में इस एग्ज़ाम को, इस प्रिपरेशन को कैसे क्रैक करना है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि हम ये मान लें कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगा, SSC के कैलेंडर में भी ये लिखा हुआ है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन थोड़ा डिले है तो एग्ज़ाम के चांसेज भी हैं कि दिसंबर एंड में होगा, तो हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए अराउंड 80 दिन का टाइम बचता है। और 80 दिन की यदि हमें प्रिपरेशन करनी है 80 डेज के लिए, तो हमें पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पढ़ना होगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि आपके पास जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, पार्ट 1 में आपके पास में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के, वो आपको तैयार करने हैं। और पार्ट 2 जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के, ऐसे पार्ट 1 के 100, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के 100, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट, 35 क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन, 35 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, सिंगल शॉट एग्जाम, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग, 80-90 दिन का टाइम, रिजल्ट और आपके पास में सरकारी नौकरी। तो ये एक इतना बेहतरीन एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको ये सब पढ़ना होगा। बात आती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था रीजनिंग का सिलेबस, वही रीजनिंग के 20-22 टॉपिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यदि आपको पिछला वीडियो भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, सारा सब कुछ तो इसमें आएगा ही आएगा। बात है उन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कि उनके लिए क्या आएगा। तो उन स्टूडेंट के लिए कई पार्ट में इस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला टॉपिक है कंप्यूटर। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर, जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी, रैम, रोम, EPROM, ये बहुत सारे, मैग्नेटिक फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD-ROM, ये सारे के सारे टॉपिक आपके चैप्टर 1 जिसका नाम कंप्यूटर है उसमें पूछे जाएंगे। यदि हम चैप्टर 2 की बात करें तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि असेंबलर्स, एलिमेंट ऑफ असेंबली, लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग और पूरे के पूरे टॉपिक आपने नोटिफिकेशन में भी देख लिए होंगे। अब इंपॉर्टेंट आता है कि इनमें पढ़ना क्या है, जो कि आपको एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है आपका वर्चुअल मेमोरी, जो कि एक्चुअली में इसी का पार्ट है, फाइल सिस्टम, फिर है इनपुट आउटपुट सिस्टम, फिर है असेंबलर्स, यदि हम आगे चलें फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि GIS बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जितना पोर्शन नॉन टेक्निकल का है उतना ही पोर्शन टेक्निकल का है। तो आपके लिए एज भी बनता है, आपके लिए एडवांटेज बनता है, बेनिफिट रहता है कि आप यदि टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आप उसमें साउंड होते हैं, आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के क्रैक करने की प्रॉबेबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा बन जाती है। यदि हम आगे देखें तो हमने इसके लिए पूरा आपके लिए प्लानिंग करी है 80 दिनों की, 80 दिनों में इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बताई थी। आज के इस वीडियो में जो हमने पूरी टीम के साथ जो डिस्कस किया है और आपके लिए बनाया है कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सारे वीडियो हमने इस कोर्स में डाल दिए हैं, पूरे के पूरे अवेलेबल है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को प्रैक्टिस के बिना क्लियर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने प्रैक्टिस की क्लासेज भी ऑर्गेनाइज करी हैं और वो प्रैक्टिस की क्लासेज लिखी हुई हैं कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 घंटे, रीजनिंग 20 घंटे, जनरल नॉलेज 30 घंटे, इंग्लिश 20 घंटे और फिर उनके क्विज। बात केवल इतनी ख़त्म नहीं हो जाती, प्रैक्टिस तब तक करी जाएगी तब
तक कि मैक्सिमम स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही ना करने लग जाए। लेकिन हमने मिनिमम डिसाइड किया है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की 25 घंटे, और आपको पता है 20-25 क्वेश्चन पर आवर में सॉल्व हो सकते हैं, अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, तो अराउंड 500-600 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, फिर रीजनिंग के, इन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अराउंड 1200 से 1500 क्वेश्चन आपके पास में ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, और सारा मिलाएंगे आप पार्ट वन का, तो आपको पता चलेगा कि 2000 की रेंज में आप चारों टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मोर देन सफिशियंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। फिर बात आती है पार्ट टू की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक लिखे हैं, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का पूरा कंटेंट जो उसमें आने वाला है वो पूरा हमने कोर्स में डाल दिया है। अब केवल आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, 8 आवर्स की प्रैक्टिस, 1 आवर का क्विज, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पूरा डाल दिया है उसमें थ्योरी, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। वर्चुअल मेमोरी डाल दिया है, फाइल सिस्टम डाल दिया है, इनपुट आउटपुट सिस्टम डाल दिया है, असेंबलर डाल दिया है, इन सब की आपको केवल प्रैक्टिस करनी है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करें, मैक्सिमम आपको बेनिफिट हो, मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएं ताकि आप सिलेक्शन की तरफ मूव कर जाएं। थ्योरी आज की डेट में आप उस बैच में ले सकते हैं, अवेलेबल है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे प्रोग्रामिंग वाला टॉपिक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ जीआईएस, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बच्चों को चैलेंज भी आता है, सर हमें थ्योरी के साथ, थ्योरी भी हमें प्रैक्टिस के साथ में पढ़नी है। तो इन सब के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम इन सब में थ्योरी भी कराएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे, और उसके आर्स भी हमने लिख दिए। ऐसे करके अराउंड 200 से ज़्यादा, 225 की रेंज में ये आर्स होंगे, और आप सब लोग इन क्लासेज को बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर पाएंगे, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, मैक्सिमम हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। ये कोर्स निम्बस लर्निंग पर अवेलेबल है, आप जाके इस कोर्स को इंजॉय कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या इस कोर्स के मेन की फीचर्स हैं? दीज आर नॉन साइलेंट फीचर जो कि मैंने बताया था, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस, जो आपको पता है टेक्निकल नॉन टेक्निकल, 200 से ज़्यादा आवर्स के प्रैक्टिस सेशंस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पता ही है आपको, लाइव क्विजेज, MCQ PDF 24/7 एक्सेस, ये सारी बेहतरीन टाइप की अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन टाइप का बैच जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैंने कहा था कि 200 घंटे में 200 दिन में सरकारी नौकरी लेनी है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें 200 दिन की भी जरूरत नहीं है, आप आने वाले 80-90 दिन में सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ये कोर्स अवेलेबल है स्पेशल ऑफर्स पर, आप चाहें तो अभी जाके आप इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड के इस बेहतरीन IMD को, बेहतरीन SSC IMD फॉर कंप्यूटर साइंस को आप इंजॉय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम फिजिक्स का बैच भी लॉन्च करेंगे, BSc का बैच जो फिजिक्स के बैकग्राउंड से, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सकें। आप डिले ना करें, यदि आप सिंसियरली सोच रहे हैं आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए वैसे भी जॉब के, इस टाइप की जॉब की कमी रहती है, ये अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, यू कैन ग्रैब, यू कैन एंजॉय, यू कैन सब्सक्राइब दिस कोर्स, वी विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। इन अदर केसेस यू कैन कमेंट इन द वीडियो ऑफ दिस कोर्स, आपको यदि कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो डेफिनेटली आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज, सी यू इन द बैच, वी विल मीट यू, वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस डेफिनेटली आफ्टर 80 or 90 days। Thanks a lot for watching the video. Once again, wish you all the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning. Thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates. Thank you.